यार ये चेक करें भाई, मैंने मशीन लगाई हुई है तो कपड़े धोने का आज मेरा मूड है। बहुत तेज हो रहा है। अभी जा रहा हूँ बाहर, वहाँ पे आपसे थोड़ा सा शुगर मेला लगाएंगे। नहीं स्टार्ट वीडियो। तो भाई आप अगर यूके में आने वाले हैं तो पैकिंग लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो क्या लेके आ सकते हैं सामान अपने साथ, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। उससे ये बैग यूज करना है तो निकलवाना है कुछ, तो उसके बाद चलते हैं, आपको डिटेल बताता हूँ सारी वीडियो। पैसा ही पैसा हो गया। तो भाई ये है जी पाउंड, जिसके लिए स्टूडेंट्स आते हैं दूर दूर से, तो भाई आपको पता ही होगा आगे ट्रेंडा से स्टूडेंट हैं तो भी बात कर लेते हैं पैकिंग लिस्ट की। तो आपको अगर आप सब नंबर इनटेक में या कोई भी इनटेक में आ रहे हैं तो आपको पैकिंग कौन कौन सा सामान लेके आना चाहिए। तो आपका टाइम बहुत कीमती है मुझे पता है भाई, तो मेरा खुद टाइम बहुत कीमती है, मगर मैं आपके लिए सिर्फ टाइम निकाल रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो जो मेन सितंबर इनटेक के बारे में है, ठीक है, ओवरऑल यूके में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सितंबर इनटेक वालों भाई आपने सबसे पहले फ्लाइट वो बुक करानी जिसमें आपको मैक्सिमम जो सामान होता है वो अलाउ होता है। बात चेक करें यार, वो चेक करें आंटी अपने कुत्ते को वॉक कराने के लिए आई है, चेक करें यार, वो उसको कोई ट्रेनिंग वगैरह दे रही है, चेक करें। वो बच्चे खेल रहे हैं एक साइड पे, मौसम में आ रहे हैं सितंबर है, सितंबर में थोड़ी सी सर्दी वगैरह होती है, सर्दी वगैरह होती है तो सितंबर में सर्दी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप लोग ये है कि दो से तीन आपकी जैकेट्स होने चाहिए, यानी कि बड़े कोट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने जो चीज़ रखी है वो आप एक बड़ा सा सूटकेस ले ले उसमें भी डाल सकते हैं, अगर दो छोटे छोटे सूटकेस लेते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। पहली जो चीज़ होगी दो से तीन आपके पास बड़े बड़े कोट हो गए, जो बड़ी जैकेट्स होती हैं वो लेनी है, जो कि पैराशूट वाली हों, यानी कि सही मोटे ताज़ी हों, ठीक है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, ये मैंने अभी गर्मी है इसलिए डाली हुई है। वैसे आपने सही सेफ्टी करके आनी है, दो से तीन आपने बड़े कोट लेके आने हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगे, यहाँ पर बारिश होती है भाई हर टाइम में, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी कोट्स आपने लेके, उसके बाद आपने शर्ट्स ले लेने, उसके बाद शर्ट्स होती हैं पैंट शर्ट, आप तीन चार जीन्स ले लें, आप तीन से चार आप शर्ट्स ले लें, कोई किसी भी कलर की हाफ शर्ट्स ले लें, टी शर्ट्स, और दो से तीन आपने वाइट कलर में शर्ट्स लेके आनी है जो कि आपके लिए काम आएंगी, जब आप सिक्योरिटी की शिफ्ट करते हैं तो आपके वहाँ पे काम आ जाएगी, ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट, ठीक है। और नीचे आपने ब्लैक जो शूज़ हैं वो शूज़ होने चाहिए आपके, ब्लैक तीन से चार शूज़, ठीक है। अभी कैमरा एडजस्ट करता हूँ, मेरा हाथ आ गया अभी तो। अभी अब बात करते हैं खाने की, तो यार बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं किचन की, ग्रोसरीज की, वो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा बर्डन ना डालें, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है, एक दो पाउंड में आपको सस्ती सस्ती ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो बाकी बात रहेगी फूड की, वो आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं लानी है, कुछ लोग आटा लाते हैं, कुछ दालें लाते हैं, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है भाई सस्ती में, ठीक है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कुछ लोग भाई कहते हैं लोटा भी लेके आना चाहिए, यहाँ पे लोटा नहीं होता, तो लोटा भाई यहाँ पे भी होता है, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, तो लोटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, यहाँ पे इतनी सहूलतें मिलती हैं। हाँ एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने जो कुकर होता है प्रेशर कुकर वो आपने लाजमी लेना है, ठीक है। यहाँ पर वो थोड़ा महंगा होता है मगर पाकिस्तान से सस्ता मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पकानी होती है और खानी होती हैं, ठीक है, और आपने शिफ्ट भी जाना होता है, ये चक्कर होता है और कुछ नहीं होता। प्रेशर कुकर ले लें एक अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद यार एक आपने फ्राई पैन ले लेना है, ठीक है, फ्राई पैन ले लेना है, ठीक है, एक आपने एक चम्मच ले लेनी है, स्पून और एक डिश ले लेनी है, बस डेट्स इट, आपने खाने पीने में यही करना है, बाकी दालें शालें नमक शमक लाने की ज़रूरत नहीं है, बस। अगर आप तवा ले सकते हैं जिस पर रोटी पकाते हैं वो भी आपके लिए बेहतर है, तो यहाँ से भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये होगी ग्रोसरी के लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं भाई, ये मेन चीज़ है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लाएंगे तो आप भाई यहाँ पे रुल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मेन चीज़ है। सबसे पहले आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए, कैश लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, बाकी आपके पास जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद वो आपके पास टिकट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने लाजमी ध्यान से सोच समझ के रखनी है पहले, ठीक है भाई। आप ट्रैवल करें आगे से आपको इंटर ना करने दें या एग्जिट ना करने दें तो वो आपके लिए मसला बन जाता है, ठीक है। तो यार अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लैपटॉप सबसे पहले है, लैपटॉप भाई आप यूनिवर्सिटी पढ़ने आ रहे हो तो आपको लैपटॉप चाहिए होगा, तो आप लैपटॉप लेके आएँ, और अपने फ़ोन जो है ना, फ़ोन मोबाइल फ़ोन वो भी आप पाकिस्तान से लेके आएँ, ठीक है। तो ये नहीं आपने कहना कि यहाँ पर आते साथ ही आपने ले लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, हालात थोड़े से ख़राब होते हैं, पाँच छः मंथ लगते हैं आपने कोई चीज़ लेते लेते यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिक शू, जो तीन पिन शू होता है ना वो आपने लाजमी लेके आना है, जिसको हम यूनिवर्सल शू भी कहते हैं, जो हर कंट्री में चल जाता है, शू होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो गाइस उसके बाद जो आपने चीज़ लेनी है वो है जी
पावर बैंक, पावर बैंक की यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद एक आपने डाटा केबल ले लेनी है, ठीक है, जो आपके बाद में काम आएगी। तो यार उसके बाद बात करते हैं ट्रिमर की। ट्रिमर यानी कि मशीन, मशीन आपने लाजमी लेके आनी है, यहाँ पे आपने बचत करनी है, ठीक है। यहाँ पे 20 से 30 पाउंड तक भी लोग चार्ज करते हैं सिर्फ कटिंग कराने के, ठीक है। तो यार उसके बाद आपने एक छोटा सा अम्ब्रेला रख लेना है, यहाँ पे हर टाइम बारिश होती रहती है, अभी मौसम बना हुआ है बारिश वाला, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो बारिश कभी भी हो सकती है, मौसम का कोई पता नहीं होता। यूके में आपने अपनी सेफ्टी लाजमी रखनी है और एक छोटा सा अम्ब्रेला अपने पास लाजमी रखना है, ठीक है। यार उसके बाद बात करते हैं मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में, इसमें एडिशनल चीज़ें होती हैं। उसमें आपने सबसे पहले भाई वॉशिंग पाउडर एक होता है जो सर्फ कहते हैं, जिसमें आप धो सकते हैं कपड़े शपड़े, ठीक है, वो आपने रख लेना छोटा सा, ठीक है। और साथ आपने बैग रख लेना छोटा सा, जो आप हैंड कैरी बैग होता है जो पीछे यूनिवर्सिटी वगैरह में डाल के जाते हैं, उसमें आपकी छोटी मोटी चीज़ें चार्जर वगैरह यूज़ हो सकते हैं, आप लोग उसमें डाल के रख सकते हैं, वो आपका हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो ओके गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट पैकिंग लिस्ट फॉर इन यूके। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेन मेन जो चीज़ें पसंद आई होंगी, आपने लाजमी पैक कर लेना एक दो दिन पहले ही, ठीक है, ताकि आपके माइंड में कोई चीज़ रह ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।